नमस्कार दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के इस सीरीज में एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑटो डिक्लोजर। और बेसिकली हम थियोरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में कि ऑटो डिक्लोजर क्या होता है, ऑटो डिक्लोजर क्यों डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर ट्रांसमिशन लाइन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो ऑटो डिक्लोजर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि डेड टाइम, रिक्लेम टाइम या सीबी ड्यूटी साइकिल्स। तो ये चीजें क्या होती है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और ऑटो डिक्लोजर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है बीसीयू के थ्रू, सीमेंस रिले में या अल्स्ट्रॉम रिले में या एबीबी रिले में, वो हम आने वाले प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। आज का ये सेशन एक शॉर्ट सेशन होगा जिसमें हम बेसिकली सिंपल थियोरटिकल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ऑटो डिक्लोजर का। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो ऑटो डिक्लोजर है, ऑटो डिक्लोजर आज के टाइम पर जो है एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड, एक तरह से नॉर्म्स बन चुका है जनरली जो भी हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उसके अंदर, और खास तौर से हाई वोल्टेज लाइंस के अंदर, हाई वोल्टेज पावर लाइंस के अंदर ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से, वो उसमें यह है कि ओनली 4-5% फॉल्ट जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो परमानेंट नेचर के फॉल्ट होते हैं, और बाकी जो भी फॉल्ट होते हैं जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स में वो जनरली ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं। और इन ट्रांजिएंट फॉल्ट में अगर हम ऑटो डिक्लोजर के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा आउटेज टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, और खास तौर से उन सबस्टेशन में जो कि अनमैन्ड सबस्टेशन होते हैं वहाँ पर आउटेज टाइम और रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि लाइन ऑटो डिक्लोजर के केस में एक जिस फेज में पर्टिकुलर फेज में फॉल्ट है वही फेज ओपन होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्रेकर को वापस रिक्लोज कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का जो ये सेशन है वो भी पिछले सभी सेशन की तरह कॉमन पीपीटी है इंग्लिश सेशन के लिए और हिंदी सेशन के लिए। और ये जो पीपीटी बनाया गया है ये किसी एक पर्टिकुलर किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये कुछ गूगल सोर्सेस से और कुछ जो मैं अपना रेफरेंस बुक जो मेनली यूज कर रहा हूँ NPAG नेटवर्क प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन गाइड जो GE का है उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए, और कुछ डिफरेंट पीपीटीज जो मेरे पास अवेलेबल थे अलग अलग सोर्सेज के, उन सभी को क्लब करके ये आज का पीपीटी प्रिपेयर किया गया है। अब नेक्स्ट चीज है कि आज की डेट में जो 400 kV, 765 kV और मतलब 220 kV से हाई है, 220 kV एंड हाई है जितने भी वोल्टेज लेवल्स है उसमें सिंगल फेज हाई स्पीड ऑटो डिक्लोजर यूज किया जाता है। सिंगल फेज हाई स्पीड ऑटो डिक्लोजर का मतलब क्या है कि जब फॉल्ट आएगा फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, तो उस फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर सिंगल फेज जिस फेज का पर्टिकुलर फेज का फॉल्ट है वही फेज ओपन होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी फेज को क्लोज कर दिया जाता है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है जिसके बाद क्लोजिंग पल्स वापस ब्रेकर को दिया जाता है ब्रेकर क्लोज करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम को कहते हैं डेड टाइम। तो जो भी ऑटो डिक्लोजर आज के टाइम पर यूज होता है ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में वो सिंगल फेज हाई स्पीड ऑटो डिक्लोजर होता है, साथ साथ जनरली सभी ऑटो डिक्लोजर सिंगल फेज सिंगल शॉट ऑटो डिक्लोजर होता है। सिंगल शॉट ऑटो डिक्लोजर का क्या मतलब है कि जब फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आने के बाद हमारा जिस पर्टिकुलर फेज में फॉल्ट है वही पोल ओपन होगा ब्रेकर का, और डेड टाइम के बाद उसी पोल को क्लोज कर देंगे। अब अगर नेक्स्ट फॉल्ट फिर से आता है तो थ्री फेज ट्रिप कर दिया जाता है ब्रेकर को, और ब्रेकर लॉकआउट में रहता है। इसको कहते हैं सिंगल फेज सिंगल शॉट हाई स्पीड ऑटो डिक्लोजर। दूसरा एक और होता है वो होता है आपका सिंगल फेज मल्टी शॉट ऑटो डिक्लोजर। मल्टी शॉट ऑटो डिक्लोजर जो है जनरली फॉरेस्ट एंड जो आपके फॉरेस्ट एरिया से जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस कर रही होती है, और मतलब डीप फॉरेस्ट है जहां पर आपको पता है कि ट्रांजिएंट फॉल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उन सब जगहों पे मल्टी शॉट ऑटो डिक्लोजर भी कई बार यूज किया जाता है। और इस मल्टी शॉट ऑटो डिक्लोजर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो जब फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने के बाद आपका फर्स्ट टाइम जिस फेज में फॉल्ट है तो वही फेज आपका ओपन होगा ब्रेकर का, डेड टाइम के बाद उस फेज को क्लोज कर देते हैं। अगर वापस फॉल्ट है तो फिर से वापस ब्रेकर को हम ओपन करते हैं और फिर उसे क्लोज कर देते हैं डेड टाइम के बाद। तो इसको कहते हैं सिंगल फेज मल्टी शॉट ऑटो डिक्लोजर। एक और होता है जो कि आपका मिक्सचर होता है सिंगल एंड थ्री फेज ऑटो डिक्लोजर का, और सिंगल एंड थ्री फेज ऑटो डिक्लोजर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज साइड्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा
कुछ इंडस्ट्रियल साइट्स में भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि माइंस के अंदर कनेक्टेड है, या कोई इंडस्ट्री है जिसके प्लांट्स के अंदर कनेक्टेड है, तो उस केस में जब फर्स्ट टाइम फॉल्ट आता है, तो फर्स्ट टाइम फॉल्ट आने के बाद हम सिंगल फेज ब्रेकर को ओपन करते हैं और डेड टाइम के बाद ब्रेकर को क्लोज कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि फिर से फॉल्ट है, तो फिर से फॉल्ट आने के बाद ब्रेकर का थ्री पोल ओपन कर दिया जाता है, और इसमें काफी बहुत ज्यादा डेड टाइम रखने के बाद, जैसे मतलब नॉर्मल डेड टाइम जो होता है वो 1 सेकंड होता है, 800 मिलीसेकंड टू 1 सेकंड के बीच में होता है, जनरल प्रैक्टिस जो है उसमें 1 सेकंड है। तो जब इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जैसे माइंस के अंदर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, तो फर्स्ट टाइम तो आपका 1 सेकंड के बाद लाइन ओपन क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद फिर से परमानेंट फॉल्ट है या फिर से फॉल्ट आ जाता है, तो ब्रेकर का तीनों पोल ओपन होगा और 3 मिनट के बाद वापस क्लोज कर दिया जाता है। तो इस टाइप का भी ऑटो क्लोजर फंक्शंस यूज होते हैं, और ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटो क्लोजर है, चाहे सिंगल फेज सिंगल शॉट हाई स्पीड ऑटो क्लोजर है, या सिंगल फेज मल्टी शॉट हाई स्पीड ऑटो क्लोजर है, या थ्री फेज ऑटो क्लोजर है, या थ्री सिंगल एंड थ्री फेज का कंबाइंड ऑटो क्लोजर फंक्शन है, ये सभी चीज फाइनली डिपेंड करता है आपके ब्रेकर के ड्यूटी साइकिल के ऊपर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट चीज था जिसको हम डेड टाइम बोल रहे थे, तो डेड टाइम क्या होता है? डेड टाइम का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आपके ब्रेकर के अंदर एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। जब भी फॉल्ट आएगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं, मतलब फिक्स कॉन्टैक्ट से जो है मूविंग कॉन्टैक्ट वो सेपरेट होगा। जब मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है तो ब्रेकर के अंदर आर्क फॉर्म्स होते हैं। जब ब्रेकर के अंदर आर्क फॉर्म होगा, तो अब ब्रेकर को अगर हमें वापस क्लोज करना है, तो उससे पहले इस आर्क को डी आयोनाइज करना पड़ेगा। अब आर्क जो डी आयोनाइज होगा वो किसकी चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है एक तो आपका फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, सर्किट वोल्टेज कितना है, जो एडजेसेंट फेजेस हैं, जैसे सपोज आर फेज का फॉल्ट है तो वाई फेज तो क्योंकि कनेक्टेड ही रहेगा, बी फेज कनेक्टेड रहेगा, तो ये जो कनेक्टेड एडजेसेंट कंडक्टर्स है उससे कैपेसिटिव कपलिंग कितनी है, साथ ही साथ आपका आर्किंग टाइम जो ब्रेकर का आर्किंग टाइम है उस पर, एंड ब्रेकर की स्पीड के ऊपर। ब्रेकर की स्पीड का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक SF6 ब्रेकर है और इसके अंदर फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहा है, अब फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट जब सेपरेट हो रहा है, साथ साथ आप आर्क क्वेंच करने के लिए SF6 का प्रेशर उसके अंदर ब्रेकर के अंदर पुश कर रहे हैं। अब SF6 जो है ये आर्क को क्वेंच करेगा, इसके ऊपर इसमें दो चीज डिपेंड होता है, एक कि ये जो है आर्क वो फॉर्म हो रहा है और आप उसके आर्क को क्वेंच कर रहे हैं, तो ये जो आर्क को जो हम क्वेंच करने के लिए SF6 वहां पर दे रहे हैं, तो वो अगर जो ये आर्क क्विंचिंग मीडियम है वो जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज का क्या मतलब है, जैसे जैसे कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहा है वहां पर वोल्टेज जब बिल्डअप हो रहा है, अगर ये रेट ऑफ राइज ऑफ जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल वहां पर डेवलप हो रहा है, वो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अगर वहां का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है आपके कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बाद जो SF6 का प्रेशर आ रहा है उसके कारण से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, या ब्रेकर का एक सफिशियंट गैप मेंटेन हो जा रहा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप है वो अगर रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से ज्यादा है तो आर्क सक्सेसफुल क्वेंच हो जाएगा। तो अब आर्क सक्सेसफुल क्वेंच होने के लिए मतलब क्या क्या चीज आपका डिपेंडेंट है, एक तो ब्रेकर की स्पीड, ब्रेकर स्पीड मीन्स उसी में आ जाता है आपका ये आर्किंग टाइम और प्री आर्किंग टाइम। आर्किंग टाइम होता है जब हम ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ब्रेकर के अंदर एक जो फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट है उसमें एक मेन कॉन्टैक्ट होता है और एक आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है, तो सबसे पहले हमारा जो है मेन कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, अब ये आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू अब करंट चल रहा है, तो आर्किंग कॉन्टैक्ट जब पूरा फुली सेपरेट हो जाएगा तभी आर्क जो है ब्रेकर का वो खत्म होता है। तो ये ब्रेकर के आर्किंग टाइम, फॉल्ट ड्यूरेशन, विंड कंडीशन, सर्किट वोल्टेज, इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए डेड टाइम डिसाइड किया जाता है। जनरली 220 केवी, 400 केवी एंड हायर या 765 केवी में ये 1 सेकंड रखा जाता है डेड टाइम। कुछ यूटिलिटीज 600 टू 800 मिली सेकंड भी रखते हैं 220 केवी में, लेकिन जनरली 1 सेकंड डेड टाइम रखा जाता है। नेक्स्ट आता है रिक्लेम टाइम। रिक्लेम टाइम का क्या मतलब है? अब आपको पता है कि एक बार सपोज आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आया, आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आने के बाद हमारा जो ब्रेकर का एक आर पोल ओपन हुआ, अब ब्रेकर का आर पोल ओपन हुआ उसके बाद वापस फॉल्ट जब 1 सेकंड के बाद डेड टाइम के बाद अगर फॉल्ट नहीं है तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ब्रेकर क्लोज होने के बाद से लेकर के और नेक्स्ट मतलब हमारा कुछ टाइम तक जो है, अगर दोबारा कोई फॉल्ट आता है
तो उस फॉल्ट पे हमें ब्रेकर का थ्री पोल ट्रिप करना है, और ये जो नेक्स्ट कुछ टाइम होता है उसको कहते हैं रिक्लेम टाइम। रिक्लेम टाइम जनरली 25 सेकंड रखा जाता है, और रिक्लेम टाइम में का जो मतलब है मेनली वो क्या है, आपको पता है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हो सकता है, ये न्यूमेटिक टाइप हो सकता है, स्प्रिंग ऑपरेटेड हो सकता है, या हाइड्रोलिक टाइप हो सकता है। तो जब ब्रेकर का एक ऑपरेशन होता है, एक ओपन क्लोज ऑपरेशन होता है, तो इसके बाद अगर सपोज ये स्प्रिंग ऑपरेटेड ब्रेकर है तो इसके स्प्रिंग को चार्ज होने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम चाहिए, जो इसका मोटर स्टार्ट होगा फिर स्प्रिंग चार्ज करेगा उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, या अगर आपका एयर प्रेशर वाला ब्रेकर है मींस न्यूमेटिक ब्रेकर है तो एयर प्रेशर मेंटेन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर उस टाइम के अंदर ही दोबारा से फॉल्ट है और हम ब्रेकर को वापस ऑपरेशन में लेना चाह रहे हैं, मतलब सेकंड ऑटो क्लोजर भी करना चाहते हो, तो हो सकता है कि ब्रेकर जो है उसके अंदर सफिशियंट एयर प्रेशर डेवलप ना हो या उसका स्प्रिंग फुल्ली चार्ज ना हो और हमारे ब्रेकर के डैमेज होने के चांसेज होते हैं। तो इस कारण से एक फॉल्ट आने के बाद जब एक बार ब्रेकर सक्सेसफुल ऑटो रिक्लोज हो जाता है तो फिर हम ब्रेकर को नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए अगर दोबारा से कोई फॉल्ट है तो थ्री फेज ट्रिपिंग अलाउ करते हैं, उस टाइम पर सिंगल फेज रिक्लोज नहीं करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल किस टाइप का हमने लिया हुआ है। तो ये जो टाइम होता है इसको कहते हैं रिक्लेम टाइम, और जनरली इसकी सेटिंग 25 सेकंड होता है। तो ये आपका सेम चीज वो लिखा हुआ है कि टाइम ड्यूरिंग व्हिच अ न्यू स्टार्ट ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग इक्विपमेंट इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड रिक्लेम टाइम, मतलब वो टाइम जिसके अंदर आपका ऑटो रिक्लोजर का जो नेक्स्ट स्टार्ट है वो ब्लॉक कर दिया गया। नेक्स्ट स्टार्ट का मतलब कि एक बार ऑटो रिक्लोज हो गया, अब अगर चाहे सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, और वो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किसी भी फेज में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहला फॉल्ट आर फेज में था दूसरा आपका आर फेज में ही हो, दूसरा वाई फेज टू ग्राउंड भी हो सकता है, बी फेज टू ग्राउंड भी हो सकता है, किसी भी फेज में अगर दूसरा फॉल्ट है तो उस टाइम पर ऑटो रिक्लोजर अब आपका ब्लॉक रहेगा, और इस ब्लॉकिंग टाइम को जिस टाइम तक ये ब्लॉक रहता है उसको कहते हैं रिक्लेम टाइम। अब अगर आपका रिक्लेम टाइम के अंदर कभी भी फॉल्ट आता है तो ब्रेकर को थ्री पोल ट्रिप किया जाता है और लॉकआउट में ब्रेकर चला जाता है। अगर रिक्लेम टाइम के बाद फॉल्ट आता है, मींस सपोज रिक्लेम टाइम 25 सेकंड है और 25 सेकंड के बाद कोई फॉल्ट आता है तो इसके बाद न्यू आपका ऑटो रिक्लोजर सीक्वेंस जो है वो रन हो सकता है। अब इसमें दो चीजें हैं कि आपका जो रिक्लेम टाइम है वो 25 सेकंड सेट करने के पीछे एक रीजन है, हालांकि अभी तो नए जो हाई स्पीड ब्रेकर्स है जो मतलब काफी अच्छे वाले ब्रेकर्स आने लग गए हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के कारण से, तो आप रिक्लेम टाइम आप लोग कम भी कर देते हैं, कई जगह पे 15 सेकंड या 20 सेकंड पे रखा जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो 25 सेकंड रखने का ये है कि आपका रिक्लेम टाइम इतना कम नहीं होना चाहिए कि अगर आपका दो फॉल्ट बहुत ही जल्दी जल्दी आ गया तो उसमें हमारा जो ब्रेकर की ऑपरेटिंग साइकिल है या ब्रेकर की जो ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल है उससे हम एक्सीड कर जाए। और ये जो ड्यूटी साइकिल है ये क्या चीज है ये हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट है कि सेटिंग टाइम, जो रिक्लेम टाइम का जो हम सेटिंग करते हैं वो कैसे डिसाइड होता है। तो ये एक आईसी का पब्लिकेशन है 56.2, तो ये जो है हमारा एक आईसी का पब्लिकेशन है, आईसी पब्लिकेशन 56.2, वो कहता है कि जो हमारा कोई भी ब्रेकर है वो इस ड्यूटी साइकिल को विदस्टैंड करने का कैपेबल होना चाहिए अपने फुल ब्रेकिंग करंट पे। सपोज फुल ब्रेकिंग करंट है उसका है 40 किलो एम्पियर, तो 40 किलो एम्पियर करंट के लिए वो इस ड्यूटी साइकिल को विदस्टैंड करने का कैपेबल हो। और इस ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है कि ओ मीन्स ओपन, आपका नॉर्मली ब्रेकर जो है हमेशा क्लोज पोजिशन में रहेगा फॉल्ट आने से पहले, तो ब्रेकर हमारा क्लोज पोजीशन में है तो हमेशा एक ओपन होने के लिए तो वो कैपेबल होना चाहिए। अब एक ओपन के बाद 0.3 सेकंड प्लस सीओ, अब 0.3 सेकंड प्लस सीओ का मतलब क्या है कि फर्स्ट ओपन मतलब फॉल्ट, जब भी फॉल्ट आए तो हमेशा ब्रेकर एक ओपनिंग के लिए तो हमेशा रेडी होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि फॉल्ट आए और ब्रेकर किसी भी कारण से ओपन ना हो पा रहा हो, तो एक ओपन के लिए तो वो रेडी होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं फॉल्ट आए ब्रेकर बोल दे कि मैं अभी जो है रेडी नहीं हूँ ऑपरेट होने के लिए, तो एक ओपन होने के लिए रेडी होना चाहिए। फिर एक बार ओपन होने के बाद 0.3 सेकंड मींस 300 मिली सेकंड के बाद ये नेक्स्ट सीओ ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए। 0.3 सेकंड के बाद नेक्स्ट सीओ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ब्रेकर अगर सपोज सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है और ब्रेकर आपका ओपन हो गया है तो अब 300 मिली सेकंड के बाद अगर हम ब्रेकर को वापस क्लोज कर रहे हैं तो ब्रेकर क्लोज हो जाना चाहिए, मीन्स उसके जो अंदर का जो आर्किंग टाइम जो भी मतलब उसका जो आयनाइजेशन है जो मतलब फॉल्ट के कारण से जब ब्रेकर सेपरेट हुआ है और
स्केपिंग थर्मल कॉन्टैक्ट सेपरेट हुए है, जो आर्क आया है, इसे सभी चीज क्वेंच हो जाना चाहिए और 300 मिलीसेकंड के बाद ब्रेकर जो है नेक्स्ट सीओ ऑपरेशन के लिए हेल्दी हो जाना चाहिए। ये जो 300 मिलीसेकंड होता है ये मिनिमम डेड टाइम होता है कि मिनिमम हम 300 मिलीसेकंड भी अगर रखेंगे तो हमारा ब्रेकर इसके लिए कैपेबल होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कि हमने यही ब्रेकर जो है यही सेम ऑपरेटिंग साइकिल वाला ब्रेकर ऑर्डर किया है, सेम ऑपरेटिंग साइकिल वाला ब्रेकर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो 0.3 सेकंड या 300 मिलीसेकंड मिनिमम डेड टाइम हो सकता है, इसीलिए डेड टाइम को 600 से 800 या 1000 तक रखा जाता है, जनरली 1 सेकंड डेड टाइम होता है। अब इस डेड टाइम के बाद ब्रेकर क्लोज हो जाएगा अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। अब क्लोज होने के बाद अगर वापस फॉल्ट है तो ब्रेकर ओपन होगा, और ये आपका होना ही है क्योंकि जब भी फॉल्ट है तो ब्रेकर का ओपन ऑपरेशन होना है। जैसे अगर यहाँ पे ओ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे वापस ओ होना है। तो ब्रेकर ओपन होने के बाद अब नेक्स्ट जो क्लोज ओपन ऑपरेशन है उसके लिए आपको 3 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो मीन्स 3 मिनट के अंदर या 3 मिनट के बाद जो है अब हम नेक्स्ट ब्रेकर का क्लोज ओपन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये रिक्लेम टाइम सेट किया जाता है वो आप देखिए, फर्स्ट फॉल्ट आया ब्रेकर ओपन, 300 मिलीसेकंड के बाद ब्रेकर क्लोज, अब अगर वापस फॉल्ट है तो ब्रेकर ओपन। अब ब्रेकर ओपन एक बार होने के बाद नेक्स्ट जो है हम तुरंत क्लोज ब्रेकर को नहीं कर सकते हैं। ब्रेकर को तुरंत क्लोज करेंगे अगर हम तो हो सकता है कि जो उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो फुल्ली उसका सपोज स्प्रिंग चार्ज नहीं रह सकता है, हो सकता है कि फुल्ली उसके अंदर एयर प्रेशर मेंटेन नहीं है, और अगर हम वापस क्लोज ओपन ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो ब्रेकर के डैमेज होने के चांसेस है। तो इसीलिए एक सीओ ऑपरेशन होने के बाद नेक्स्ट सीओ के लिए इस पब्लिकेशन के हिसाब से 3 मिनट तक का टाइम हो सकता है। जनरली रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है वो 25 सेकंड होता है रिक्लेम टाइम का। अब ये जो है ये हमारा कंप्लीट एक साइकिल है कि ऑटो रिक्लोजर कैसे काम करता है। अब मान लीजिए ये जो है हमारा ये जो भी मतलब ये जो सीट है ये गूगल से इमेज उठाया गया है और ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, गूगल इमेज है, ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा। इसमें सिंपल क्या है कि जब मान लीजिए कि आपका फॉल्ट आया, प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होगा, जब प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने के बाद ये क्या करेगा कि आपका जैसे ही प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होगा तो ब्रेकर को ट्रिपिंग कॉइल, ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड कहाँ पे करता है, तो ब्रेकर का जो ट्रिपिंग कॉइल होता है उसे एनर्जाइज करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ, उसके बाद ये इतना टाइम जो ये ब्रेकर का मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम का ऑपरेटिंग टाइम है कि जैसे आपने जो फर्स्ट सेशन में सबसे फर्स्ट सेशन में जब बात की थी जोन वन की, तब मैंने बताया था कि जोन वन इंस्टेंटेनियस होने का ये मतलब नहीं है कि 0 मिलीसेकंड पर ऑपरेट होगा, वो हमेशा 20 से 25 या 30 मिलीसेकंड पर ऑपरेट होता है, और वो जो ऑपरेटिंग टाइम होता है उसको मतलब जो जोन वन का ऑपरेटिंग टाइम है वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट फैक्टर्स पे कि रिले की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिले की जो मतलब उसमें जो मेजरमेंट वैल्यू जा रहे हैं करंट वोल्टेज के वो कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, कितना फास्ट रिले सैंपल कर पा रहा है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 20 to 30 मिलीसेकंड हो सकता है। इसीलिए एक बार जैसे ही फॉल्ट आए तो रिले ऐसा नहीं है कि यहीं तुरंत ऑपरेट होगा, वो सारे पैरामीटर चेक करने के बाद सपोज इस पॉइंट पर रिले ऑपरेट हुआ, जैसे रिले ऑपरेट होगा तो ये ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा, दैट मींस ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करता है। अब ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करने के बाद ऐसा नहीं है कि ब्रेकर तुरंत ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है कंप्लीट ब्रेकर का उसमें ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होता है। ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होने के बाद वो जो उसके लैच होता है लैच को ऑपरेट करवाता है, ऑपरेट कराने के बाद फिर आपका फाइनली जो ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अंदर अगर जो मतलब आपका फाइनली पुल रोड कनेक्टेड है, पुल रोड आपका ऊपर जा करके और ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट करवाता है। तो ये जो फाइनली ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होने के बाद कुछ जो टाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं ओपनिंग टाइम, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट सेपरेट होना शुरू होता है। जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होना शुरू होता है तो उसके साथ ही आपका आर्क फॉर्म होता है ब्रेकर के अंदर, फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो गया तो वहां पर जैसे जैसे सेपरेट होना शुरू हुआ तो आर्क फॉर्म होता है। और इस पॉइंट पर हमारा क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फुल्ली डेवलप हो गया है तो यहाँ पर आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट सेपरेशन से लेकर के जहां पर आर्क एक्सटिंग्विश होता है उसको कहते हैं आर्किंग टाइम, और फाइनली ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से सफिशियंट डिस्टेंस तक सेपरेट हो जाने के बाद हम बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट जो है वो फुल्ली ओपन है।
जिस टाइम पर मेन प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है, तो ऑपरेट होने के साथ ही वो जैसे ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करता है, वैसे ही ऑटो डिक्लोजर रिले को भी इनिशिएट करता है। तो इसको कहते हैं एआर इनिशिएशन। अब जब हमारा कॉन्टैक्ट फुल्ली ऑपरेट हो गया, कॉन्टैक्ट फुल्ली ऑपरेट होने के बाद जब हमारा जो डेड टाइम है, डेड टाइम आपका स्टार्ट होता है, अभी मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि डेड टाइम जो है वो हमारा स्टार्ट होता है जहां से आर्किंग खत्म होता है उसके बाद, तो या डीआयनाइजेशन टाइम जो है उसके बाद से हमारा डेड टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आर्क फुल्ली एक्सटिंग्विश हो गया था। आर्क एक्सटिंग्विश होने से लेकर के और नेक्स्ट जो मतलब आपका क्लोजिंग पल्स जहां पर ब्रेकर देता है उसको कहते हैं डेड टाइम। तो अभी हमारा जो सिंपल था कि मेन प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद ब्रेकिंग के ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज किया, ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करने के बाद ब्रेकर ओपन हो रहा है और सेम टाइम पर ऑटो रिक्लोजर फंक्शन जो है वो इनिशिएट हो गया। अब ऑटो रिक्लोजर फंक्शन इनिशिएट होने के बाद अब क्या करेगा कि जो हमारा ऑटो रिक्लोजर रिले है वो एक सेकंड के बाद, जो हमारा डेड टाइम रखा है यहाँ से स्टार्ट हुआ था फंक्शन एआर रिले स्टार्ट हुआ, एक सेकंड के बाद ऑटो रिक्लोजर रिले जो है वो क्लोजिंग कमांड सेंड करता है। तो ये जो एक सेकंड होता है वो ऑटो रिक्लोजर रिले का डेड टाइम है। ये वाला जो डेड टाइम है, इस डेड टाइम का मतलब है कि ये जो ब्रेकर का डेड टाइम है, ब्रेकर का डेड टाइम मीन्स ब्रेकर कितनी देर तक आपका ऑफ पोजीशन में है, कितनी देर तक ब्रेकर जो है वो डेड कंडीशंस में है। अब ये टाइम अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आर का आपका एक्सटिंग्विश हो चुका है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से जो है मूविंग कॉन्टैक्ट वो एक सफिशियंट डिस्टेंस तक सेपरेट हो गया, हालांकि कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन अभी नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन जो है वो इस पॉइंट पर जाकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा आर्क एक्सटिंग्विश हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑटो रिक्लोजर रिले ने क्लोजिंग कॉइल को एनर्जाइज किया, क्लोजिंग कॉइल को एनर्जाइज करने के बाद ब्रेकर के क्लोजिंग टाइम के बाद जो है कॉन्टैक्ट यहाँ पर मेक होगा। अब ब्रेकर के क्लोजिंग टाइम पर जैसे ही हमारा यहाँ पर जो हमारा ब्रेकर क्लोज होता है, तो इतने टाइम तक यहाँ से आर्किंग टाइम जहाँ से खत्म हुआ और प्लस जहां पर कॉन्टैक्ट मेक हुआ है वो टाइम होता है ब्रेकर का डेड टाइम। अब जैसे हमारा यहाँ पर फॉल्ट के बाद ये डेड टाइम था, एक सेकंड का डेड टाइम, ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड गया और कॉन्टैक्ट मेक हो गया। जब कॉन्टैक्ट मेक हो गया तो आपका यहाँ पर जो है वो मतलब अब नेक्स्ट साइकिल के लिए, अगर मान लीजिए जैसे ही कॉन्टैक्ट मेक हुआ और अगर वापस प्रोटेक्शन रिले जो है ये देखता है कि फॉल्ट है, मतलब वापस सिस्टम में परमानेंट फॉल्ट है, या हो सकता है कि आपका जो है सेकंड फॉल्ट आ गया है उसी टाइम पर, तो इसको कहते हैं रिक्लोज ऑन टू फॉल्ट, मीन्स आपका जो ब्रेकर है वो फॉल्ट पर ही रिक्लोज हो रहा है। अब अगर ऐसा नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो कॉन्टैक्ट आपका कॉन्टैक्ट मेक हुआ और उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है वो फुली क्लोज हो जाएगा। ये जो टाइम है जहां से हमारा क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज होगा और जहां से कॉन्टैक्ट फुली क्लोज होगा, उतनी देर के लिए मिनिमम हमारा क्लोजिंग पल्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्लोजिंग पल्स इतना छोटा रखा है कि जो क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज हुआ लेकिन वो फुल्ली जो है ब्रेकर को क्लोज करने के लिए सक्षम नहीं है। एक बार कॉन्टैक्ट फुल्ली क्लोज हो गया है तो अब इस पॉइंट से जहां से हमारा डेड टाइम खत्म हुआ था, जहां पर हमने क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज किया था, वहां से लेकर के और नेक्स्ट 25 सेकंड तक के लिए जो टाइम होता है उसको कहते हैं हम रिक्लेम टाइम। और इस रिक्लेम टाइम के अंदर अगर सपोज यहां पर आप देखें सेकंड फॉल्ट आ गया है, अगर सेकंड फॉल्ट रिक्लेम टाइम के अंदर आया तो ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा और क्योंकि आपका रिक्लेम टाइम रनिंग में ही था तो ऑटो रिक्लोजर ब्लॉक हो जाएगा और डायरेक्टली थ्री फेज ट्रिप हो जाएगा। तो रिले लॉक आउट फॉर प्रोटेक्शन री ऑपरेशन बिफोर रिक्लेम टाइम है इलेप्स्ड। तो यहाँ पर आपका अगर दोबारा फॉल्ट है तो आपका थ्री फेज ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुआ, कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ, आर्क एक्सटिंग्विश हुआ और कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हुआ क्योंकि रिक्लेम टाइम के अंदर ही था, तो ब्रेकर को वापस क्लोजिंग पल्स नहीं मिलेगा ऑटो रिक्लोजर रिले के थ्रू। अगर ये रिक्लेम टाइम के बाद फॉल्ट आता तो ब्रेकर वापस ऑटो रिक्लोज हो सकता था। तो ये अभी हम अपने आने वाले थियोरेटिकल सेशंस के बाद जब हम प्रैक्टिकल सेशंस की बात करेंगे बीसीयू की, तो उसमें देखेंगे कि कैसे बीसीयू में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि क्लोजिंग पल्स कैसे सेट करते हैं, कैसे हम रिक्लेम टाइम को सेट करते हैं, कैसे हम डेड टाइम को सेट करते हैं, क्या हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं ऑटो रिक्लोजर के लिए। तो ये हम अलग अलग रिलेज के, मतलब सीमेंस बीसीयू के, सीमेंस डिस्टेंस रिले के, या फिर माइकॉम रिले के, एवीबी रिले के, अलग अलग रिले में ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। होपफुली आज का ये सेशन आपको क्लियर होगा। और इस ये जो खासतौर से ये जो लास्ट वाला स्लाइड है जिसमें हमने इस साइकिल को डिस्कस किया है,
इसे आप एक बार खुद से थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेटर टाइप से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, खास तौर से अपने दोस्तों के साथ, प्रोटेक्शन इंजीनियर्स के साथ, जिससे कि जो हमारा मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब कंसेप्ट के साथ अवेयर हो सके, वहाँ तक हम अपने मकसद को अचीव कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर, आपके फीडबैक के बेसिस पर आने वाले सेशन में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के बाद आपको कुछ बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये तभी संभव है जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को, जब आप अपने फीडबैक को शेयर करेंगे। तो अगर आप कुछ भी फीडबैक नहीं देते हैं, कुछ शेयर कुछ भी इनपुट नहीं आता है, तो ये एक जनरल एजम्पशंस होता है कि ठीक है सब सही चल रहा है। तो उस केस में हमेशा हम एक ही लेवल पे रहते हैं और कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो पाता नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।